मुख्य कारण क्या है ये जानना चाहूँगा। हाल ही में मेरी मुलाकात हुई एक इन्वेस्टर से, मुझे याद नहीं करना है कि उस रात को क्या हुआ, लेकिन आपके सामने तथ्यों को रखने के लिए मुझे उस दर्दनाक और भयंकर रात को याद करना पड़ेगा। बहरहाल 12 अप्रैल की सुबह को मैं दुबई से मुंबई पहुंची। उस दिन दोपहर में एक मैनेजर ने मुझे कॉल करके कहा कि एक इन्वेस्टर मुझसे मिलना चाह रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस मैनेजर ने कहा कि वो इन्वेस्टर बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा था। 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मैं दुबई में थी, 12 अप्रैल की सुबह को मैं मुंबई पहुंची और पहुंचने के बाद मुझे ये सूचना मिली। 12 अप्रैल की शाम को मैंने अंधेरी वेस्ट के एक म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक हिप हॉप सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद मैं घर पहुंची, घर पर मेरे मैनेजर आए और वो मुझको JW मैरियट लेकर गए उस इन्वेस्टर के साथ मुलाकात कराने। वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है बिजनेसमैन सुनील पारसमणि लोढ़ा से, जिनका नाम FIR में मौजूद है। सुनील पारसमणि लोढ़ा और ये रहते हैं मलाड में। इस शख्स ने मुझसे मिलते ही मेरी तारीफ करना शुरू करी, कहा कि ये मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। इन्होंने टोकन अमाउंट के तौर पर एक पेमेंट करी मैनेजर को और उसके अलावा गुड लक के तौर पर एक पेमेंट करी मुझको। मैंने उनसे कहा कि टोकन अमाउंट और गुड लक अमाउंट दोनों को मिलाकर मैं एक अबव एवरेज म्यूज़िक वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मैंने कहा कि मेरे म्यूज़िक वीडियो का बजट 15 लाख से 20 लाख के आसपास है। उन्होंने कहा कि मैं इस टोकन अमाउंट को स्वीकार करूं और बाकी की फंडिंग वो बाद में करेंगे मेरे अकाउंट में। बहरहाल हमारी बातचीत चलती रही उस रात लगभग 12:30 बजे के आसपास और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे निकलना है, घर पहुंचना है क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। उन्होंने कहा कि उनके पास उस समय ड्राइवर नहीं था तो मैंने उन्हें लिफ्ट ऑफर करी। मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर मुझे पहले घर छोड़ेगा, उसके बाद उन्हें उनके घर छोड़ेगा। मेरी बिल्डिंग तक पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या मैं उन्हें अपना घर दिखा सकती हूं। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट, और हम मेरे घर में दाखिल हुए। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहेंगे या खाना चाहेंगे। उन्होंने वेज खाना खाने की फरमाइश करी। मैंने वेज खाना बनवाया, रोटी चावल दाल भाजी। हमने खाना खाया, उसके बाद यहाँ इसी काउच पर
हम बैठे। मैं खाना खाने के बाद ब्लैक टी पीना पसंद करती हूँ, ब्लैक टी पी रही थी। वो बात कर रहे थे, बात करते करते उन्होंने मेरे चेस्ट को छुआ। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये सब नहीं पसंद, विरोध किया मैंने। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, एक्चुअली आप इतनी हॉट हो, रहा नहीं जा रहा। आई सेड, मैं तो हॉट हूँ, लेकिन कहाँ लिखा है मेरे माथे पर कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, आप जब चाहे जहाँ चाहे छू सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है क्या? तो नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आई एम सॉरी। मैंने उनसे कहा कि मेरा ड्राइवर नीचे आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आपको ड्रॉप करने के लिए। वो आपको ड्रॉप करके छुट्टी करेगा, आप प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिए, आपको भी देर हो रही होगी। उन्होंने कहा कि मैं ड्राइवर को छुट्टी दे दूँ, ड्राइवर को उनके लिए परेशान ना करूँ, और वो किसी कैब से अपने घर पर चले जाएंगे। तो मैंने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रा चेंज करने, फ्रेशन अप करने अंदर जाती हूँ। उसी समय उन्होंने चार्जर की मांग करी, उनका सेल फोन बहुत ही लो बैटरी पर था। तो मैं बेडरूम में गई चार्जर लाने, वो चले आए बेडरूम में, अगेन छेड़खानी करी मेरे साथ, यहाँ वहाँ हाथ लगाकर। मैंने कहा अभी तो बात हुई हमारी, मैंने कहा मुझे नहीं पसंद इस तरह का व्यवहार। तो नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, गलती हो गई। आई सेड, अभी तो आपने सॉरी बोला था कुछ देर पहले। तो नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा कि कोई गलतफहमी हो गई होगी, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था उनके दिमाग में। मैंने कहा क्या आपसे कुछ कहा गया जो मुझे नहीं मालूम है, क्या मैनेजर ने ऐसा कुछ कहा आपसे? तो नहीं नहीं, ऐसे एक सेकेंड आप रुकिए, मैं कॉल करती हूँ मैनेजर को। मैंने कॉल किया रात के मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे थे शायद, या 3 बज रहे थे। मेरे सेलफोन के कॉल लॉग में सब कुछ लिखा है, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वो मैंने पुलिस को जानकारी दी है। 2:30 या 3 बज रहे थे, तो मैंने उनको कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा इनसे कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं, तो एक काम करते हैं, हम बात करते हैं सवेरे, एक ग्रुप मीटिंग कर लेते हैं। तो वो चिढ़ने लगे, क्यों ग्रुप मीटिंग क्यों? ऐसे क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ कहा गया हो जो मुझे नहीं मालूम हो, और जिस तरह आप बिहेव कर रहे हैं मुझे अजीब लग रहा है। यानी अभी अभी हमारी मुलाकात हुई, मैं आपको घर पर लेकर आई, मैंने आपके लिए खाना बनवाया, मेहमान नवाजी करी आपके लिए, आपको सम्मान दे रही हूँ, लेकिन आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आई एम सॉरी, मैं पैर पड़ता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर धीरे धीरे मूड चेंज करने के लिए वो कुछ चुटकुले सुना रहे थे मुझको। एनीवे, मैंने कहा कि देखिए मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाह रही हूँ, तो आप देखिए आपकी कैब की बुकिंग कीजिए ज़रा। तो अचानक उनका ये माइंड ट्विस्ट हो गया, माइंडसेट अचानक बदल गया। मुझे बोलते हैं आपको पता है ये पेमेंट मैंने क्यों करी, टोकन अमाउंट? आई सेड हाँ, म्यूज़िक वीडियो के लिए। नहीं, आई सेड तो फिर आपको आपके मैनेजर ने बताया नहीं? आई सेड हाँ, आप ही के सामने बताया। तो उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली आपके साथ समय बिताने के लिए। सर ऐसा तो नहीं बोला उसने, और वहाँ पर भी आपने यही कहा था कि म्यूज़िक वीडियो के लिए है। तो नहीं, आपको गलत फहमी हुई है,
आई सेड जो कुछ भी है हम सवेरे एक ग्रुप मीटिंग कर लेते हैं या कॉन कॉल पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर लेते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बट बंदा मान नहीं रहा था तो नहीं मुझे जो वादा मुझसे किया गया था वो हो नहीं रहा है। आई सेड क्या वादा, क्या बोल रहे हैं आप? तो अचानक यू नो गाली बकना शुरू किया उसने। आई सेड प्लीज़ माइंड योर टंग, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ऐसे बात करता है क्या? हाँ हम जिसके घर पर जाते हैं खाना खाते हैं हम उसको गाली बकते हैं क्या? तो नहीं 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 मैं तुमको दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। आई सेड कौन हैं आप? तो आपको पता है मेरे अंकल कौन हैं? आई सेड कौन है आपके अंकल? मेरे अंकल लोढ़ा जी हैं जो भाजपा के लीडर हैं। आई सेड होंगे तो समझ लो मुझसे भिड़ो मत। आई सेड मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही बोल रही हूँ ना कि मुझे ये सब नहीं जमता है जो आप कर रहे हैं। तो इस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे जबरन छूने की कोशिश करी और भी बहुत कुछ किया जो इस समय मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताना उचित नहीं समझती हूँ। मेरे स्टेटमेंट में एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी गई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका कहना ना मानूं तो वो मेरा गला रेत देंगे और ना सिर्फ मुझे ख़त्म करेंगे बल्कि मेरे बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे। मेरे दो छोटे छोटे पेट्स हैं, इतने छोटे मिनिएचर पेट्स हैं, एक चिवावा है और दूसरी माल्टीज है। तो मैंने कहा कि इस पूरे मामले में मेरे छोटे डॉगीज़ का क्या कसूर है? उनको क्यों ख़त्म करना चाहते हो? आप साइको हो क्या? एक साइको ही ऐसे बात करता है? तो नहीं नहीं तुमको बताऊंगा मैं कौन हूँ, तुम मुझे टच करने नहीं दे रही हो। आई सेड ये हो क्या रहा है? मतलब आपको मान सम्मान दिया, मैंने लिफ्ट ऑफर करी, घर पर बुलाया बिठाया, हाँ खाना बनवाया, आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ मत करो ये सब, आप सुन नहीं रहे? तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी और मैं परेशान हो गई जब उसने बोला कि आपको आपका गला रेत दूंगा, आपके बच्चों का गला रेत दूंगा और यहाँ मतलब बेडरूम से यहाँ, यहाँ से बेडरूम, यहाँ पर तमाशा और फिर सीधे किचन में जा रहा था। ऐसे आप किचन में क्यों जा रहे? उनके पीछे पीछे गई, ड्रॉर्स खोल रहे थे और जैसे ही मैंने देखा कि उनका हाथ एक छुरी की तरफ बढ़ रहा था मैंने उस ड्रॉर को तेज़ी से बंद कर दिया। मैंने बोला आप कर क्या रहे हो? नहीं मैं तुम्हारा गला रेत दूंगा। मैं घबरा गई और मेरे हाथ में सेलफोन था, उनको बताए बगैर चुपके से मैंने 100 नंबर डायल किया और उनको ये बोला कि एक सेकेंड आप होल्ड करो, आप ज़रा शांत हो जाओ, मैं कॉल करती हूँ मैनेजर को, हो सकता है इस बार वो मेरा कॉल रिसीव कर ले और वो आ जाए, एक जॉइंट मीटिंग हो जाएगी हमारी। तो मैंने इस तरह से बात करी पुलिस से जैसे मैं पुलिस से नहीं बल्कि अपनी सहेली से, अपने किसी मित्र से बात कर रही हूँ। तो मैंने कॉल करके बोला हाँ अच्छा सुनो, अच्छा मैं शर्दन बोल रही हूँ, अच्छा तुम्हें पता है ना मैं कहाँ रहती हूँ? जुहू में। तो मैंने एड्रेस उसको सुनवाया और वहाँ पर पुलिस महिला ऑफिसर कह रही थी ये पुलिस है, ये पुलिस है, आपने क्या गलत नंबर डायल किया, ये पुलिस है। मैंने कहा हाँ 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 मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, उनको मैं बताना चाह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने पुलिस को कॉल किया, तो आप प्लीज़ जल्दी आइए यहाँ पर क्योंकि जिस मित्र से आपने मिलाया मुझको वो मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं, मेरे बच्चों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी आइए मैं बहुत परेशान हूँ। तो इतनी जानकारी काफ़ी थी पुलिस को मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद मैंने तुरंत लाइन काट दी क्योंकि वो मेरा फ़ोन छीनना चाह रहे थे और मैं धन्यवाद देती हूँ मुंबई पुलिस को जो मेरे कॉल करने के पाँच से सात मिनट में पुलिस यहाँ पर पहुँच गई और
उस बंदे को वैन में बिठाया और पुलिस चौकी लेकर गए। उसके कुछ देर बाद मैं भी जुहू पुलिस चौकी पर पहुंची। आज भी जब उस हादसे को मैं याद करती हूं तो मुझे लगता है कि अगर मुंबई पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। कोई आपसे कह दे कि वो आपका गला रेत देगा और आपके किचन के ड्रॉर से वो छुरी निकालना चाहे और कहे कि आपके छोटे छोटे बच्चों को ख़त्म कर देगा, आपके पैरों के तले ज़मीन सरक जाएगी, बहरहाल चालाकी से मैंने पुलिस को कॉल किया और उसे मालूम नहीं होने दिया। पुलिस के आने से पहले मैंने उसको बताया कि तैयार हो जाओ, आने ही वाली है। उसने बोला, कौन, तेरी मैनेजर? मैंने बोला, नहीं, मुंबई पुलिस। तो फिर वो हंसा, उसने बोला कि तू पागल है क्या, तुझे क्या लगता है तू मेरे ख़िलाफ़ केस करेगी, मुझे अंदर करेगी, अंदर कराएगी? मैंने बोला, हाँ ऐसा लगता है मुझे और ऐसा होना भी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे बहुत हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं। और बार बार कह रहा था कि कोई लोडा जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं वो उनके अंकल हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव रहा है। उस दिन 13 की सुबह को, यानी कल सवेरे जब मैं पुलिस के पास गई, मैंने कहा वहाँ के SI से, सीनियर इंस्पेक्टर अजीत कुमार सर से, मैंने कहा, सर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, आप सोचते होंगे ये लड़की आ जाती है बार बार कोई नई शिकायत लेकर, कभी इसने छेड़ा, कभी उसने छेड़ा, कभी इसने ये किया, कभी उसने वो किया। मैंने बोला, सर मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट जब जब मेरे साथ गलत होता है मैं पुलिस को ही याद करती हूँ, और कहाँ जाऊँ, मेरे ऑप्शंस क्या हैं, किसको कॉल करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपके बारे में गलत सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, और वैसे भी हम क्या जो सोचते हैं, हम मतलब हमारे सोचने से क्या क्या होगा, आपको इंसाफ चाहिए तभी तो आप यहाँ पर आई हैं, और इंसाफ हम नहीं दे सकते। इंसाफ देने का काम न्यायालय का होता है, जुडिशरी का होता है, तो ये निर्भर नहीं करता कि हम क्या सोचते हैं क्या नहीं। मैंने बोला, नहीं निर्भर करता है, मेरे लिए करता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सबूत कैसे इकट्ठे करेंगे। बहरहाल उन्होंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और ये FIR दर्ज करी। सुनील पारसमणि लोडा, ये हैं बिजनेसमैन। इन्होंने बताया कि ये लोडा ग्रुप के साथ जुड़े हैं और ये रहते हैं मलाड में। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझको इंसाफ मिले और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने इस बंदे ने मुझको गाली बकी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और मैंने पुलिस से कहा कि ये क्या हो रहा है, आप कानून के रक्षक हो और आपके इस स्टेशन में, कार्यालय में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो ये क्या है, ये तो बहुत अजीब विडंबना है। यानी एक बंदा, एक आरोपी पुलिस के सामने खड़े होकर पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित महिला को गाली बकता है, क्या कहा जाए। मेरे ख्याल से ये जो
इन लोगों के सरों पर पावर का नशा चढ़ा होता है, ये उसका परिणाम है। तो इनके जो अंकल हैं, जैसा कि ये दावा करते हैं, कोई लोढ़ा जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं, अगर उसके इस दावे में सच्चाई है तो वो लोढ़ा जी, आप अगर आप सच में इनके अंकल हैं तो आप कृपया आगे आएं और बताएं कि क्या आप अपने सगे के दुष्कर्म का समर्थन करते हैं या नहीं, और क्या आगे चलकर किसी महिला का जब यौन शोषण या यौन उत्पीड़न हो तो क्या वो महिला पहले आरोपी से पता लगा ले कि क्या उसके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स हैं या नहीं, क्या वो किसी मंत्री का, लीडर का सगा है या नहीं, और अगर वो सगा रहा तो वो महिला उस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की जुर्रत ना करे। क्या इस तरह चलता है इस देश का कानून? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आम महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, और बेचारी महिलाएं आगे नहीं आती होंगी ये सब बताने के लिए, उन्हें लगता होगा कि क्या फ़ायदा ये सब बताकर। तो आज आपके माध्यम से मैं उन तमाम पीड़ित महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, आप याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, और इंसाफ की गुहार लगाना हमारा संवैधानिक हक है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आप प्लीज़ जाइए नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाइए और शिकायत दर्ज करें, और जो वहाँ के SHO होते हैं उनसे आप ये मांग करें कि तत्काल FIR दर्ज हो और एक्शन लिया जाए। मुंबई पुलिस को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी जो कल सवेरे लगभग 3:45 AM मेरे कॉल करने के, मैंने उनको कॉल करी थी 3:40 सुबह के 3:40 को, और 5 से 7 मिनट में पुलिस यहाँ पर हाज़िर हो गई थी। अगर पुलिस ने देरी करी होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या हश्र होता। मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये जो लोग साइको होते हैं जो ख़त्म करने की बात करते हैं, इनके हाथ में कुछ भी आ जाए ये उसे अपना हथियार बना लेते हैं। जैसे उस शख्स ने मेरा वो अवार्ड, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, उस अवार्ड को अपने हाथ में लिया और मेरे सर पर मारना चाह रहा था। जैसे तैसे मैंने उसको रोका, बोला ये मेरा अवार्ड है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। फिर यहाँ से वो किचन में गया छुरी की तलाश में। मतलब अगर कोई मुझे हाथ लगाना चाह रहा हो, मेरे साथ यौन शोषण करना चाह रहा हो, मैं उसे चुपचाप करने दूँ, उसका विरोध ना करूँ? और अगर विरोध करती हूँ तो वो ये धमकी देता है कि मेरा गला रेत देगा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। ये कैसा गुंडा राज है, मेरी समझ के बाहर है। आपने बताया कि वो दावा कर रहे थे कि जो बॉन्ड साइन हुआ है, नहीं कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करी हमने। पुलिस ने उनको भी बुलाया, उन्होंने भी अपना बयान दिया, और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर हैं, ये आरोपी सुनील पारसमणि लोढ़ा, इन्होंने ये जाहिर किया था उनसे कि वो
मेरे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं और मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने भी यही बात रखी पुलिस के सामने। और उनको नहीं मालूम था कि उस मुलाकात का ये अंजाम होगा। तो मैं ख़ुद को खुशनसीब मानती हूँ जो आज मैं ज़िंदा हूँ आप सबके सामने। अगर उस भारी अवार्ड से उसने मेरे सर पर दे मारा होता या छुरी उसके हाथ में आ जाती और मुझ पर हमला किया होता तो पता नहीं मैं जीवित बचती या नहीं। मेरी रूह काम गई थी उस दिन, उस पल। मैं आज भी ये पूछती हूँ खुद से कि मेरी गलती क्या थी। शायद गलती ये थी कि उसे मैंने अपने घर में दाखिल होने दिया। मुझे नहीं मालूम था कि घर पर आकर खाना वाना खाकर वो अपना आपा खो बैठेगा और बदसलूकी करेगा। मेरे जो आलोचक हैं वो अक्सर कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार सिर्फ शैलेन चोपड़ा का यौन शोषण होता है या हर बार सिर्फ शैलेन चोपड़ा के साथ अत्याचार होता है। दरअसल ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है, अधिकतर महिलाओं के साथ होता है, लेकिन वो अपने अनुभव को साझा नहीं करती हैं। वो ऐसे दर्दनाक अनुभव को अपने दिल में दफना कर रखती हैं। मैं मीडिया के सामने आकर अपने सच को उजागर करती हूँ। किस लिए? ताकि इस समाज की पीड़ित महिलाओं को हिम्मत मिले, हौसला मिले। आगे चलकर मैं चाहूँगी कि उन पीड़ित महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं, लेकिन उनके लिए कुछ करने से पहले मैं अपने लिए कुछ कर लूं। अगर मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो मैं दूसरों के लिए क्या स्टैंड ले पाऊंगी? जी, आपके कुछ सवाल हैं? एक आखिरी सवाल, मुंबई पुलिस से किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है अब तक, और अगर आप कुछ और लाइनें ऐड करना? जी, पुलिस ने मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ये मैटर कोर्ट में जाएगा और मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा उस दर्दनाक हादसे के बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए। मैंने कहा कि मैं उन्हें अपना पूरा सहयोग दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि सुनील, पारस, मणि, लोडा जैसे लोग पुलिस को या कानून को अपने बाप की जागीर ना समझें। जो जिस अकड़ से वो बात कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू ये है, तू वो है, कोई शरीफ इंसान इस तरह बात नहीं करता है। और उसने ये तक बोला कि ये जो केस है इसको वो पूरा का पूरा पलट देगा। पुलिस स्टेशन में उसने ये बात मुझसे कही, तो केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों? बोला तेरी मर्ज़ी, ये तेरे पर भारी पड़ेगा, मैं तो निकल जाऊँगा। आई सेड कैसे? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने तुझको पैसे दिए थे तेरे साथ सोने के लिए।
सर अच्छा, तो आपने पैसे दिए थे सोने के लिए। ओके, तो कोर्ट में आप ये बोलेंगे, आपके वकील बोलेंगे, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल एक बहुत ही शरीफ इंसान हैं जो हवस के पुजारी भी हैं और हवस की भूख मिटाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पेमेंट करते हैं ताकि वो उनके साथ सो सकें। आपके वकील ऐसा बोलेंगे कोर्ट में। हंसकर बोलता है, तू चुप कर, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। मतलब ज़रा भी रिमोर्स नहीं था उस बंदे में कि आई एम सॉरी, मैंने जो किया गलत किया, मैं कुछ देर के लिए पागल हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। कुछ नहीं, नो रिमोर्स, देख लेते हैं, चल चल चल, ये था उसका रवैया। तो ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, दादागिरी, ये कहाँ से पैदा होती है? उसको पैसों का गुरूर है या उसको इस बात का गुरूर है कि उसका अंकल कोई भाजपा कार्यकर्ता है या लीडर है? जो कुछ भी है, मेरा सवाल आज आप सबसे ये है कि क्या कानून या पुलिस किसी के बाप की जागीर है? नहीं ना, हम सब के लिए पुलिस एक समान है। तो फिर ये गुंडा राज क्यों, ये दादागिरी क्यों? कितना बेवकूफ़ है वो, बोलता है कि मुझको आरोपी बनाएगा वो इस पूरे मामले में। क्या कहकर? ये कहकर कि उसने पैसे दिए मेरे साथ सोने के लिए। अरे मैं पूछती हूँ, संविधान में हाँ ऐसी कौन सी धारा है जो किसी महिला को जबरन किसी पुरुष के साथ या किसी के साथ भी सोने पर मजबूर करता है? कौन सी धारा है वो? बेवकूफ़ कहीं का, मुझ पर झूठा आरोप लगाने चला। ठीक है, तेरा ये स्टैंड है तो बोल तेरे वकील को कि तेरा केस लड़े इसी स्टैंड पर। तो ये बोल रहा है ना कि तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये बोलेगा कि तूने पैसे दिए सोने के लिए, चल अब तू ये केस लड़ कोर्ट में, बता कोर्ट को, बता वो धारा कौन सी है संविधान में जो ये कहती हो कि महिला को जबरन किसी भी पुरुष के साथ या किसी इंसान के साथ सोना ही पड़ेगा अगर पुरुष चाहे तो। कौन सी धारा है वो जरा बताओ। कितने बेवकूफ लोग होते हैं जिनको लॉ की कोई समझ नहीं होती है। अरे ये देखो, IPC 354, IPC 506, IPC 509, ये गंभीर धाराएं लगी हैं और उसको मजाक सूझ रहा है। मतलब उसके दिल में कोई भी डर नहीं है, ना कानून का ना पुलिस का। तो ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकोपैथ होते हैं हमारे समाज में, जिन्हें लगता है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे लोगों को उजागर करना, इनके बारे में जानकारी मीडिया को देना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर कोई दूसरी महिला इनका शिकार ना बने। धन्यवाद।